इसमें तो यही दिक्कत हो गई। चलो ठीक है, देखो दिख रहा है सबको? हाँ अरे बोलो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। अभी दिख रहा है? जी, ओके। ठीक है देखो, तो 2024 वाला पीटी वाला पेपर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू में रिपीट है। वो रोटेट हो सकता है क्या? ये तो ऐसे नहीं दिख रहा है। अरे वही तो दिक्कत है, यहाँ पे रोटेट का ही तो ऑप्शन है। सर ये कौन सा वाला है आपका? 2024 वाला ही है जीएस का। ये सीरीज मेरा बी है। डी है। बी है, डी है, डी है। हाँ डी है, डी। रुको एक मिनट, रोटेट का ऑप्शन कैसे आएगा इसमें? रोटेट का ऑप्शन नहीं आएगा। अरे चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना, रुक जाओ, सब चीज़ का समाधान है। देखिए तो ऑन है, बंद करो अपनी तरफ से। तो पेपर डाउन नहीं कर लीजिए। तो और क्या, वही करना। ए सीरीज करना सर। चाहे जिस सीरीज को करना। यूपीएससी वेबसाइट से करेंगे ना? क्यों नहीं होगा, ये सारे पेपर डाल दिए यूपीएससी ने, जाके देख लेना। डाउनलोड अगेन करेंगे तब पढ़ो डाउनलोड। देखो ज़्यादा अच्छा होगा, सब लोग अपना पेपर लेके बैठो, जिन्होंने जो किया है पेपर एग्जाम में वो पेपर लेके बैठो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं तो नया पेपर लाया हूँ, जाके लाऊं? अब छोड़ो, जाके लाओगे तो क्लास कंप्लीट हो जाएगा। दिक्कत हो रही है, पेन तो हटाइए पहले। अरे नहीं वैसे पेन, रुक जाओ। देखना पड़ेगा कहाँ पे। तुम्हारा ए सीरीज था क्या? तो तुम्हें ए सीरीज निकाल के ही ए सीरीज का लाओगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। अब देखो कैसे क्या ट्रिक लगाया क्या है वो देखना ध्यान से। मैं कुछ कुछ क्वेश्चनों का एक आइडिया बता देता हूँ, सारा पेपर नहीं करेंगे बस। देखो कथन है, कारण है, ठीक है। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, देखो कंपैरिजन जहाँ करता है तो भाई इंटरचेंज करने की प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सोच लिया था कि पक्का ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस से दीप तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक है, ठीक है। अब देखो याद करो, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन करने वाले में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ बन रही है? तो अगर पहला स्टेटमेंट गलत, ओनली डी ऑप्शन अपने पास बचता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर था, तो मैं यही करके आया था इसको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो यहाँ पे ये ट्रिक लग रही थी, आराम से हो रहा था। अब अगला देखो, भूमध्य रेखा पर सौर मंडल की मोटाई, सौर मंडल की मोटाई ध्रुव की तुलना में बहुत अधिक है, ठीक है। भूमध्य रेखा के गठों पर प्रबल सेवनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अब देखो दोनों में कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन है, क्योंकि एक स्टेटमेंट इसे दूसरे क्लेरिफाई कर रहा है।
तो पक्का है कि ये तो दोनों इसमें से तो ये आंसर नहीं होगा। देखो इसमें, देखो इसमें बिल्कुल अलग है, तो ये चीज़ याद रखना, जब दोनों में एक ही बात कर रहा हो तभी जाके इसका सही होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इन दोनों में से आंसर होगा, तो मेरा गलत हुआ था जो भी है, पर मैं बता रहा हूँ इन दोनों में से ही आंसर होगा ही। ठीक है, अब आगे देखो, ये अपना ट्रिक था, मैंने बोला ही था उस टाइम कितना कहाँ से निकलता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वाला, डायरेक्ट चार मारो। ठीक है, अब आ जाओ इसका अगला क्वेश्चन। जनवरी माह में क्षमता फिर याद करो, 2020 के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, यही सेम क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक है, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विस्तृत हो जाती है। ठीक है, शीत महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम, और याद करो देखो यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट है, पक्का ये गलत स्टेटमेंट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी ए आंसर। ठीक है, अगला देखो, इस टाइप का क्वेश्चन देखो, विश्व दो सबसे बड़े कोको उत्पादक, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जाके देख लेना। ठीक है, अब देखो कोको उत्पादक के राज्य आएगा तो ये पक्का इधर आएगा, साउथ अमेरिका वाला क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय अमेरिका, घाना वाना, हाँ उधर हो गया। ठीक है, जो भी है देखो, अब इसमें अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो ना, अब देखो मेडागास्कर किधर है, चैनल मेडागास्कर किधर है, मेडागास्कर मोजाम्बिक चैनल इधर की है ना, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप ईस्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, घाना अल्जीरिया मोरक्को पर हो गया, बोस्वाना और नामीबिया नीचे हो गया। तो अगर तुम इसमें ओड इवन वाला अपनाओगे तो उससे हो सकता है, ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, छोड़ो, मैं अपने पास, अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये गलत मेरा हुआ था, मैं फिर उतना मेरे बेसिक क्वेश्चन गलत है तो 110 के 120 पार जाते नंबर, और ये गलत हुआ है, मैंने ये दो तो ऑप्शन छाट लिए थे उसके बाद में गलत हुआ है। ठीक है, मैंने सोच लिया था कि बी और ये तो नहीं होगा, बी और डी तो काट लेते हम। ठीक है, उसके बाद में गलत, फिर मैं ये करके आ गया था, इसका बी आंसर जो भी है। ठीक है, पर ये गलत नहीं होने चाहिए, देखो मेरे बेसिक क्वेश्चन गलत हुए हैं पर ये गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे देखो, ये सही हुआ है मेरा, चट्टानों के अपसे के कारणों में से एक कारण, याद करो मैंने इस टाइप का बोला था स्टेटमेंट, सही होगा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर है कदम टू और कदम दोनों सही है, किंतु उनमें केवल एक कदम की एक की व्याख्या करता है। अच्छा, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, वर्षा जल में, देखो ये नया टाइप का क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पहली बार बनाया है, और आगे देख लेना इस टाइप के क्वेश्चन बढ़ेंगे, ये पहली बार है। तीन स्टेटमेंट दिया ना इन्होंने इसमें, ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं बना है, ये चीज़ याद रख लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए रेडी हो जाओ, और ये बेसिक क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि इसमें भी विद्यमान दे रखा है और इसमें भी विद्यमान। अरे मैं तो ये, इसका आंसर यहाँ से निकलेगा, इसके ऑप्शन से, उससे कोई मतलब ही नहीं है दादा। तो फिर एलिमिनेट कैसे करेंगे सर इसको, एलिमिनेट कैसे करेंगे? अब देखो इन तीनों ऑप्शन में देखिए जो चीज़ दिया है, खत्म दो और खत्म तीन दोनों सही है, खत्म दो और तीन दोनों सही है, खत्म दो तीन केवल एक सही है। अब देखो ये देखना पड़ेगा चट्टान आपसे कारणों में से एक कारण, तो ये तो सही है ही, पहला सही है, अब देखो इसका क्या रीजन है, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, एकदम सही बात है, वर्षा जल में घोलनशील ऑक्सीजन विद्यमान होता है, दोनों सही, तभी तो व्याख्या कर रहा है, तो तभी तो बी आंसर आया है इसका। सर क्या आया था उसको, बी कथन दो और कथन तीन दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक ही कथन की जो है वन की व्याख्या करता है, केवल एक कथन, केवल एक कथन एक फर्स्ट की व्याख्या करता है, बी है इसका, अरे बी फॉर बॉय, हां छोड़ो। और फिर में कितने देशों समुद्री उत्तरी सीमा के साथ, अब देखो यही 2022 वाला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है रिपीट हुआ, और मैपिंग से आपकी बार बहुत क्वेश्चन आए थे, तो मैपिंग अच्छे से कर लेना, मैपिंग पे अच्छे से ध्यान दो, तो ये तो ज़रूर होना चाहिए, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, अभी देखो ये पीसीएस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पीसीएस में हर बार पूछता ही है, पर मैंने मिलान वाले उस तरीके से बताया था, तो उस तरीके से मेरा सही हो गया था ये। ठीक है, अब देखो इधर ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से मुझे एक पता थी, तो मैंने याद करो ट्रिक अपना, चार में से दो सही होता है, मैंने डायरेक्ट ज़्यादा सोचा ही नहीं, दो मारो, तीन में से एक सही होता है, तो ये मेरा सही हुआ, मेरा भी सही। अब ये डायरेक्ट पोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया,
अब देखो, हाल ही में फिर में किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना रूप में, मुझे इसका पता था, जैसे मुझे इसका पता लगा तो ये ऑप्शन गया, और अपने को पता जब भी इस टाइप का आता आंसर ये तो आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अब बचा इन दोनों में से अपने आंसर आएगा जो भी है, ठीक है। अब देखो डोनी पोलो विमान पतन ऐसे लग रहा है विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय, विजयवाड़ा अपने पता कि पहले से ही बना हुआ है, नवीन पूछा नया कौन हो, ठीक है, फिर मैंने वही करके आया था, 1-2 करके आया था, मेरा सही हो गया था। अब देखिए कोरलिस बर्न वाला क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, 2011-12 में आया हुआ है सारा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वेपराइजेशन का क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, सुनो सुनो अपनी ट्रिक देखो, यह एक गैस है, मैंने बोला था इस टाइप के स्टेटमेंट सही होता है, तो बस दूरों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, न्यूनतम भी तो हो सकता है, याद करो यूपीएससी रिप्लेस करता है, बस मैंने इसको गलत माना, मेरा सही हो गया। अब फिर बता रहा हूँ सारी ट्रिक लगी है, जो मेरे पास आ रहे थे ना उठा के फेंक दूंगा सब लोगों को, वही है, तुम लोग लगाओगे तो मेरे क्या, मेरी क्या गलती है, सर दिमागी काम नहीं किया, तुम बस यही करोगे, तुम लोग पंखा ही नहीं आया था तो गर्मी इतनी लगी थी, ये सब बहाने एक्सक्यूज होते हैं, बहाने नहीं सर, एसी में पड़ गया, सारी ट्रिक लगी है, अभी मैं तो मोटा मोटा बता रहा हूँ बस, अभी मेरा ये काम है थोड़ा, जो लोग उस दिन बोल रहे थे ना, अभी रुको देखो मैं कुछ क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन लगभग यूपीएससी 2011 से लेके यूपीएससी 2024 तक ये 4 या 5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बताओ छठी क्लास की पहला ही चैप्टर है, पहला है दूसरा चैप्टर में ये क्वेश्चन है। और दूसरी बात मुन्नार के जो मैंने बोला था रतांजलि मैम का पहला ही वीडियो देखूंगा ना, तो उसे पहले वीडियो में ये है क्वेश्चन, पहले ही वीडियो में वो खुद अपना एक्सपीरियंस शो करती है कि मैं जब रशिया गई थी तो वहाँ पे 12-12 घंटे से ज़्यादा वो दिन होता था और 12 घंटे रात होती थी। अब नहीं एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये वाला ना, ये वाला चैप्टर यूपीएससी ने हटा दिया, अभी जो नई एनसीईआरटी अभी जो किया है मॉडिफिकेशन, उसमें ये सोहिल वाला चैप्टर ही उसने हटाया है उसमें से। अब देखो देखो लगातार समय परिणाम स्वरूप जंतु सेम जीव संचय हो सकता है, ये तो 100% सही होगा, तो ये गया ऑप्शन अपने पास, ठीक है। कौन सा वाला है? कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरोकेमिकल और ये जो भी है पीएफएस संयंत्रों खतरों पर विचार कीजिए, पीएफएस पेयजल खाद और खाद पैकेजिंग सामग्री में व्यापक रूप में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि व्यापक रूप से पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, तो मैंने ये सोच के काटा था तो मैंने 2 मार के आ गया था, ठीक है, परंतु आगे देखते हैं। पीएफएस पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं, तो इसका मतलब पॉल्यूटेंट तो तभी है नहीं होते हैं, ठीक है। पीएफएस के लगते संप्रदाय परिणाम से, तो जब ये सही है ना ध्यान से समझना, तो ऑटोमेटिक ये सही हो गया है, ठीक है, तो 2-3 तो सही होगा, जब 2-3 सही होगा तो ये 2 ऑप्शन तो अपने ख़त्म हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना एक चीज़, अब देखो जैव संचय हो रहा है बोले बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल नहीं होगे तो स्वाभाविक सी बात है व्यापक रूप से पाए जाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ गल नहीं रही तो अगर उसका यूज हो रहा है तो बढ़ता ही जाएगा उसका, कहते हैं तीनों सही होंगे, कुछ ना कुछ तो मामला है इसमें, ठीक है, जो भी है छोड़ो, याद करो ये देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, दीमक का क्वेश्चन पहले आया हुआ है, व्यापक रूप से है ना वो शायद गलत है, 1 नंबर वाला, अरे नहीं मेरा फिर सही होना चाहिए था ना, मेरा गलत है, मैंने 2-3 मार के आया था सर, 1 और 3 है ये इसका, फिर ये हो सकता है कि जब बायोडिग्रेडेबल नहीं होता शायद, तो बायोडिग्रेडेबल हो ऐसा कुछ जो भी है, तीनों में सही होगा इसका फिर आंसर, जो भी है यूपीएससी आंसर की आएगी जब, छोड़ो अभी यहाँ पे ये देखना अपना, जब देखो अब मैंने इसमें 5-2 वाला याद आया ट्रिक, मैं यही मार के आया था, यही सही हुआ मेरा, मैंने भाई मुझे नहीं पता पर मुझे अपना ट्रिक पे भरोसा था तो मैंने वही किया है, और वो सारी लगी है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ सारी ट्रिक लगी है। अब देखो मटर कुल फैमिली के क्या है, ठीक है, अब याद करो ये हॉर्स ग्राम पहले भी पूछा हुआ पी वाई क्यू में, मूँगफली पूछा, सोयाबीन पूछा हुआ है, सर देखो ग्राम ये दे रखा चना, ग्रामीण होता है चना, और चना और मूंगफली एक ही उसके रहते फैमिली के, तो वैसे भी कर सकते थे, मुझे बाद में ध्यान आया, तीनों ही आएगा सर इसका, तीनों ही आएगा, मैंने फिर बाद पहले 3 मार दिए फिर बाद में 2 मार के आ गए, वैसे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए जिसमें मैंने पहले कुछ और मारा बाद में कुछ मारा गलत हो गया, ठीक है। अब आगे देखो
अब तो ध्यान देखो, ये क्वेश्चन सबसे इजी था, आराम से किया जा सकता था। क्लास नाइन का एनसीईआरटी है ना साइंस, उसमें दिया हुआ है द्विपत्री बीज, सिंगल पत्री बीज। हाँ ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, साइंस एनसीईआरटी। ठीक है अभी देखो ये क्वेश्चन सबसे इजी है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतुओं की श्रेणी में रखा गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है आगे देखो, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। अब देखो ये रक्त पीता है तो मैंने इसको गलत माना तो ये मैंने सही किया। अब जो भी है इसका आंसर सब लोग बोल रहे हैं, इसको डाउट है, इसको बोले वेगी लग रहा है ये, मतलब जंतुओं का रक्त पीता है, कोई नॉनसेंस वाला ऐसा कुछ लग रहा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन शिकाड़ा साइकड़ा मुंडो कोदुक लोगों को तालुक से जो पक्षी है शायद, जो भी है। ठीक है सर देखो ये क्वेश्चन का मुझे पता था, फ्रॉग होपर ग्रास होपर वो नहीं होता जो पत्तों पर रहता है, ग्रास होपर कीट है ये सर, इसका सी होगा कीट होगा, पर है ना फ्रॉग होपर तो उसको ग्रास शिकाड़ा कीट कीट है ये। हां सर ये मैंने बायोलॉजी में जी सी है, मैंने गूगल भी सर्च किया था इसके नाम से, जब क्लास 9 का बायोलॉजी, क्लास 9 का बायोलॉजी में है ये। आप वही तो बता रहा ना, सब एनसीईआरटी पेपर बन सर, जब सनलाइट पड़ता है ना और जो पत्तियां अपने आप से ऑक्सीजन वो बनाती है ना खाद अपना, तो उस पे बैठ के ही कीट लेता है, तो इसको ग्रास ओवर बोलते हैं, मतलब घास से जन वो भोजन लेने वाला कीट, तो फिर उसको वो छिपकली खाती है, छिपकली को वो तो खाद्य श्रृंखला में ये पढ़ा जाता है। बाजार मिलने वाली अनेक च्युइंगम गम पर्यावरण प्रदूषण स्रोत है, अगर पर्यावरण प्रदूषण स्रोत है तो अनेक च्युइंगम गमों में गोम जो है के रूप में प्लास्टिक होता है, अभी तो पर्यावरण प्रदूषण है तो मैंने यही मारा तो सही हो गया। छोड़ो क्या क्या सर बताना, अरे ये पोल्यूटेंट है तभी तो, प्लास्टिक भी पोल्यूटेंट है, दोनों एक चीज़ है तभी तो सही है, तो इसे मतलब सही व्याख्या कर रहा है इसकी। ठीक है अगला देखो, मैंने थ्री माइनस अपना वाला फॉर्मूला लगाया था, जब भी थ्री पेयर्स वाले मिलान वाले आते हैं उसका एक एक सही होता, तो मैंने यही किया था और मेरा गलत हुआ है, इसे शायद दो सही होगा, फिर एक या दो उसी में होता है। छोड़ो जो भी, अभी देखो इधर आओ, ये क्वेश्चन विश्व शौचालय संगठन, ध्यान से समझना, टॉयलेट है तो ये पक्का सब बाइक से बात है, यूनाइटेड नेशन से तो नहीं होगा। ठीक है मैंने गलती क्या कर दिया था, ये इसको एक मान के इसको सही कर दिया था, तो फिर मैंने मार किया था। लेकिन ये जो ये रहते हैं मंत्रालय मिनिस्टर और ये संस्थाएँ तो गलती दे के रखते हैं ना। अब जाओ दूसरी बात ध्यान से समझना, देखो तीन स्टेटमेंट है। अब देखो वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय संगठन की पहल है। ठीक है नॉर्मल स्टेटमेंट है, अब यहाँ देखना ये देखो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, यहाँ पे आराम से रिप्लेस हो सकता है, तो ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इसके कार्य का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है, मतलब समझ रहे विश्व शौचालय संगठन बन रहा है, मुख्य लक्ष्य इसके कम विकसित देशों में और विकासशील देशों में, इसका उद्देश्य खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य प्राप्ति निधि प्रदान करना, कभी भी याद रखना फंड प्रोवाइड नहीं करता है, उसका नाम कुछ और अलग होता अगर फंड प्रोवाइड करता था, तो थर्ड तो गलत गया। अब मैंने दो तो काट लिए थे, अब उसके बाद में देखो ये वाला यहाँ पकड़ना था, संयुक्त राष्ट्र नहीं होगा तो WHO होगा, तो वही प्रमोट करता है हेल्थ को लेके, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन है ना क्यों पूछा था, क्योंकि वहाँ पे अब नामीबिया से वहाँ लाए थे चीता लाए थे, और ये उस टाइम 2022 का करंट अफेयर है, पूछा अब की बार है, बुला बुला के पूछता है UPSC। अभी देखो नरसिंह से भिन्न नरेंद्र गणचिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित ही नहीं करते हैं, याद करो एक्सट्रीम वर्ड, जैसे थर्ड काटोगे सही हो जाएगा, ट्रिक लगी है और अच्छी खासी लगी है तुम लोग, बस वही है कि अप्लाई, मैंने बोला था इस टाइप ट्यूशन आए ये आंसर आएगा, नहीं अप्लाई नहीं करता है। अभी देखो ये अंजीर मैंने पहली बार खाया था जीवन में, अब क्या मैंने पहली बार में सही कर दिया है क्वेश्चन, हम गलत कर दिए। अब देखो देसी वर्ष सर आपने ये अंजीर रेड सेंडर पहले क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था पुष्पा मूवी पूरी मैंने PY की क्लास में पूरा बोला था, इसको कैसे पकड़ा 28 वाले क्वेश्चन को। देखो एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है, ठीक है, और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है, याद करो मैंने बोला था ना कि अंजीर का पेड़ जो मैं बता रही हमारे गांव में भी है उस टाइप, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वही होता है जो उसी के और उसी कारण उसका फल पक पाता है, नहीं तो पक ही नहीं पाता हो।
अब दूसरी बात मैंने कितनी बार बोला नया क्वेश्चन है, जो जंगली अंजीर, एक जंगली अंजीर होता है जिसको कि गुलर गुलर कहा जाता है। हां वही गुलर, गुलर हमारे गांव में गुलर ही बोलते हैं उसको। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में सेम है लेकिन हिंदी में दोनों के नाम अलग हो जाते हैं, इस वजह से ये गलत हो ही गया है। नहीं मुझे पता था, मैंने उसी के अनुसार किया। मैं हमारे गांव में गुल्लर ही बोलते हैं। हमें बहस भी चली थी, मैं बोला भी था गुल्लर नहीं है ये अंजीर है सर, बोले नहीं हमारे गांव में इसको गुल्लर बोलते, वह हमारे गाँव में इसको गुल्लर नहीं बोलते, अंजीर बोलते हैं। अंजीर अपने पानी की बात नहीं है, देखा तो है ना उसको, बोलते तो अंजीर ही है ना, इसलिए सर का क्वेश्चन था ना। अब अंजीर, अंजीर में ना कीड़े, अंजीर में वो जो इंसेक्ट्स रहते हैं ना वो नहीं पड़ते, लेकिन गुल्लर वाले पेड़ में ना इंसेक्ट रहते ही रहते हैं, मैंने देखा है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा वो उस फल के उसको फोड़ोगे ना उसमें निकलते हैं, तभी तो हम देखते इसको खाते कैसे हैं लोग। चलो छोड़ो, वित्तीय ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं, माने जाते हैं, मैंने बोला था चारों, चारों के चारों सही, यही सही हुआ। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी, अरे बैटरी भंडारण क्यों होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड तो होता है, बायोमास जनरेटर ये भी ईंधन सेल हो गया है, ये सब क्या है, इसको सेल बैटरी स्टोरेज करते हैं फिर उसके बाद यूज करते हैं, तो बस हो गया सारा आंसर। मैं फिर बता रहा हूँ सारी ट्रिक लगी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सारी ट्रिक लगी है, एक ही चीज़। रेडार का उपयोग किया जा सकता है, जा सकता है, सारा आएगा तीनों के तीनों। अब अभी कोचिंग वाले अलग आंसर दे रहे हो, यूपीएससी का आने दो, देख लेना ठीक है। अब देखो मैंने बोला था स्पेसिफिक पूछ लिया, याद करो 2023 के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर आता है, कोई भी नहीं। अब देखो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीटेड है PYQ का, ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, ये वाला ये इसी कारण से मैं पास हुआ था, ये आखिरी के 10 मिनट में मैंने यही क्वेश्चन किए थे और ये सारे के सारे मेरे सही हुए, सारे के सारे, एक ये पांचों क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। मनी मार्केट पार्ट 40 मनी मार्केट का है ना सर। अब ये सारे आए, अब मैं इसमें तुम्हें ट्रिक बताता हूँ मैंने कैसे किया था। ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, सारे के सारे, मेरा भी सही है। देखो किन में हाइड्रोजेल का प्रयोग होता है, ठीक है, रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी चलवाते हैं प्रणाली और औद्योगिक स्नेक, मैंने कितनी बार टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, पॉजिटिव टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा सोचो ही मत, सारे के सारे आगे बढ़ो। अब देखो ध्यान से देखना, निम्नलिखित कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन करता है, ये है ना, ये वाला क्वेश्चन मेरा हुआ था रील वील देखने से, मैं रील देख रहा था तो उस टाइम गवर्नमेंट का ऐसा रील था भाई उसमें पानी निकलेगा, अब एक साथ दोनों चीज़ होगी, हाइड्रोजन जब भी जलता है ना उसे तो वैसे भी हाइड्रोजन H2+ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, जलवाष्प भी तो बनाएगा, यानी ये क्वेश्चन मुझे उस तरीके से याद था तो इसलिए मैंने कर दिया था, ठीक है, मैं रील देख रहा था गवर्नमेंट का तो ऐसा भाई ऐसा ऐसा आया करके। अब इस क्वेश्चन को लेकर मैंने बहुत टाइम दिया, आखिर मैंने गलत करके मैंने आखिर में सही कर दिया था, देखो मैं कैसे सही किया। हाल ही में है हाँ तो और क्या किस्मत है वही है और क्या, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, अब हाइड्रो पावर है क्वेश्चन मैंने सही करके गलत कर दिया, 38 नंबर का मैं इसलिए मारा था ना, उसमें भंडारण की बात कर रहा है। अब ध्यान देखो शब्द की वास्तविक और समुचित किसके संदर्भ में की गई, अब देखो पम्प्ड है, पम्प्ड मतलब उसको ऐसे करेगा, ठीक है, स्टोरेज है, अब देखो स्टोरेज संग्रहण, बस भंडारण इससे जोड़ो, हो गया आंसर। अब देखो मेम्ब्रेन मैंने पहले बोल दिया था मस्तिष्क वस्तिष्क से रिलेटेड होगा, ठीक है, अब मेम्ब्रेन हो गया, बायो रिएक्टर तो स्वाभाविक सी बात है किस चीज़ों के लिए होगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा मैंने इसको किया था ओड इवन से किया था, देखो मैंने लिखा भी है ओड इवन, ठीक है, आखिर में इस क्वेश्चन को किया मैंने ये लिखते थे ओड इवन किया कि लिखा है, अरे वहाँ लिखा हुआ ये सारा पेपर तभी तो भेजा हूँ तुम लोगों को। अब देखो इसका मैं बताता हूँ, इंग्लिश में मैंने इंग्लिश में पढ़ के किया था इसको, कोलेटरल पढ़ा मैं कि मनी मार्केट है बस खत्म बात, नहीं तो ऐसे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला भी था इकोनॉमी के क्वेश्चन तो वो तो है ही, ठीक है। अब आगे देखो ये NCERT 9th क्लास का क्वेश्चन है इकोनॉमी, अरे मैं गलत कर दिया, दो मार्क आया था सही हो जाता है।
जब मैंने तुम्हें बोला था उस ट्रिक का क्या फायदा, चार में से दो मार के आओ, सबका से वही आंसर होगा। मेरे ये वाले तो सही हुए, अगर ये पेयर्स वाले आते तो मेरा तो पीटी हो जाता। ये पेयर्स वाले नहीं आए, उन्होंने ये दे दिए वाले, जिन पे मैंने काम ही नहीं किया। क्यों काम नहीं किया था? इधर भागे क्वेश्चन, देखो मैंने साफ बोला था चार मिलान वाले आए दो, सोचो ही मत। पहले ऐसे मैंने कर लिया था, डेयरी फार्मिंग थर्ड में आता है, खरीद के बहुत बेसिक है। अगर ये जैसे ये दो हर एनसीईआरटी 9 क्लास, हां ये तो मेरा सही हुआ है। ज्योग्राफी में भी है, दोनों जगह दिया हुआ है ये, ठीक है। आगे देखो सर, ये वाला क्या कॉर्पोरेट की तो नहीं है, इधर होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड, और कर सकते हैं, कर सकते हैं तो तीनों बस खत्म बात। लेकिन कोचिंग वाले ना इसे दो मानेंगे, अब जो भी यूपीएससी को आने दो, आंसर किया है कि तुम्हें पता चलेगा। फर्टिलिटी रेट वाला क्वेश्चन सोचो, वो इतना वो होना चाहिए था, क्योंकि फर्टिलिटी कम हो गई थी, पूरे साल भर चर्चा में था वो। ये इधर आएगा फर्टिलिटी रेट वाला, फर्टिलिटी रेट वाला क्वेश्चन भी इधर गया। ये रहा कुल प्रजनन दर, अब देखो ध्यान से देखना। एक वर्ष में जनसंख्या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, चाइल्ड किसी को दी गई जनसंख्या, एक दंपति जीवन काल में से बच्चों की संख्या, मैंने यही मान दिया तो मैं गलत हूँ, जनसंख्या घटना कर गया। एक महिला गर्भधारण आयु चाइल्ड बेयरिंग के अंदर उनके जीवन बच्चों की औसत संख्या, इसका कैसे सही किया था बताओ। इसका जो इंग्लिश में दिया रहता है ब्रैकेट में ना, वही सही होता है मैक्सिमम। हाँ वो तो मैंने ट्रिक बताया भी था इस टाइप का। चलो छोड़ो, अब देखो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, रिपीट हो चुका बहुत बार, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अरे ये तो इंडी होगा इसमें, मतलब सी। छोड़ो, अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर अगली बार ऐसे आएंगे क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने मेटावर्स जब आया था तभी मैंने देख लिया था इसके बारे में। CSR पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच से मैंने इसको किया था, सही हो गया था, ठीक है। देखो RBI का हमेशा क्वेश्चन आता है, अब मैंने बोला भी था डिजिटल करेंसी इस टाइम ऐसे इंपॉर्टेंट था। अब देखो ये क्वेश्चन, अब मुझे देखो इतना पता था तीनों कभी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा हो गया था, मैंने है ना दोनों छाट दिए थे, फिर आखिरी में मैं मार के आ गया, गलत कर दिया अपन। तो देखो इतना मुझे पता था, तथागत उसको बोलते हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन मैंने काट दिए थे, फिर उसके बाद में मैंने तीनों मार के आ गया, पर ये नहीं, ये नए पुत उसके लिए नहीं है, महावीर के लिए। अरे मेरा भी गलत हो गया ये क्वेश्चन, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए, अब ये क्वेश्चन सही है, दो मेरे सही है। मेरे हिस्ट्री में दो क्वेश्चन गलत हुए थे, एक ये वाला है, एक रचना वाला। याद करो कृष्ण देव राय, मैंने बोला था साल भर आएगा आएगा आया, देखो आया क्वेश्चन, फिर 12 उतर रहा हूँ। PYQ देखो ये बाहर से कार्य सब क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं, ये सारे मैं फिर बता रहा हूँ, गलत हुए थे नीचे। ये क्वेश्चन सबसे इजी, ऑलरेडी बहुत इजी आया है, जो क्वालिटी मतलब सॉरी जो पीसीएस तैयारी किया होगा इस बार UPSC इसके लिए होमवर्क है, सही में बता रहा तो ये मैंने पहले बोल दिया था सब PYQ क्वेश्चन, ये सब PYQ क्वेश्चन, ये भी है CDS बहुत सालों से चर्चा में था, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं था। PTSC लिखने का ये क्वेश्चन कैसे किया था, मैंने ध्यान से देखना। मूलभूत आवश्यकता पूरा करने सहित दूरस्थ स्थानीय जन समुदाय को उठाने के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन क्या कहा जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैत्री अपन करते हैं किसी देश से रिलेटेड होगी तब होगा, ठीक है। ऑपरेशन मदद, देखो ध्यान समझना, अभी मदद और सद्भावना दोनों एक ही चीज़ है, संकल्प तो अपन पहले करेंगे, ये कर चुके हैं, मदद कर रहे हैं। सर मदद करना एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, सद्भावना मतलब एक अच्छी इच्छा से हम काम कर रहे हैं, इस टाइप का होगा। ये देखो कुछ बच्चे इसको भी गलत करके आए हैं,
आर्टिकल से इतना रिपीट कितने बार रिपीट गलत कर देना उसे फांसी चढ़ा देना। हाँ ये भी गलत करके आया है, ये भी गलत करके आया है, तुम भी गलत करके आए। अब बोलो क्योंकि अब तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मैं पढ़ा ही था कहीं कजाकिस्तान इतना सा कॉमन सेंस नहीं। मैं भी गलत करके आई इसको, रूम में जाते मैप लगा होगा बहुत बड़ा बड़ा। नारी वंदना शक्ति बिल मैंने बोल दिया था करंट अफेयर में आएगा क्वेश्चन आया हारे लोग समझ पर डायरेक्ट ये काटो आंसर। अरे 18वीं गलत है ना। अरे यार ये तो सुन सही है, फिर मैं ना मैं पेपर दिखा दूंगा आपको, मैं ओरिजिनल पेपर जो करके आऊँ कल लाऊ कर लूँगा। छोड़ो मैं वही नहीं देखने वाला, रोज जो काम बोल रहा हूँ वो तो करते नहीं है। अरे निबंध वाला कौन करेगा, नहीं वो कौन करेगा। अरे करूँगा निबंध में, आठों लिख के दिखाऊंगा आपको, सही में बता रहा हूँ। शशि थरूर का तो नहीं आएगा क्योंकि देखो ये हमेशा याद रखना बीजेपी गवर्नमेंट है अभी, तो ये हमेशा याद रखना कि अपोजिटिव पार्टी को तो कभी प्रमोट नहीं करेंगे। ये नाम फेमस है नहीं, अपना फेमस कौन है। मैं बस गलती इसलिए होगी, मैं सुब्रमण्यम इसका पूरा नाम नहीं जान सकता, मैं इसका जयशंकर ही नाम जानता था मैं इसका। ये क्वेश्चन रिपीटेड कितने सालों से, 3 साल से लगातार, पिछले 4 साल में तीसरी बार क्वेश्चन है ये, तीसरी बार जाके देखो पीवाई क्यों बी आएगा ना सर इसका, मुझे उसे मतलब नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कितनी बार ये क्वेश्चन देखो पीवाई क्यों का तख्ता पलट वाला क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन जाके देखो सर। ये 2021 में भी शायद आया, 22-23 में आया दोनों क्वेश्चन, 2020 में आया वो क्वेश्चन है लोकसभा के, इसका चेयरमैन कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं फिर बारह बता रहा हूँ PYQ करो, PYQ से ही PT तो उसी से ही निकलेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। प्रधानमंत्री शर्म जाके देखो, मैंने जो करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट थीम बताई थी ना, मैंने उसमें बोला था ये शर्म योगी मानधन अफेयर बहुत ज़्यादा चर्चा में जाके देखो मेरे वो वीडियो, आपको पता लग जाएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट थीम बताई थी उसमें। अब वही है, उसके बावजूद तुम लोग गलत करके आओगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कितनी बार, पिछले साल ही पूछा, आपकी बार पूछा, उससे पहले भी पूछा हुआ है। बस वही बात है, तुम लोग ऐसे लापरवाही करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों? सारी ट्रिक लगी है, जो मैंने करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे वो सारे आए हैं। नारी वंदना शक्ति बिल बोलो बोला था वो आया क्वेश्चन, ये प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना मैंने बोला था, ये मैंने बोला था डिजिटल जो हो रहा है, ये प्रधानमंत्री माता शिशु तो अभियान पिछले साल ही पूछा, अब की बार ही पूछा। सारे करंट अफेयर ऐसे नहीं है, पॉलिटी की जो वही थीम है जो पिछले सालों से पूछी गई है वही है, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आया। पॉलिटी इस बार बहुत सरल आया था। अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन क्या है, लाल सागर वाला? हाँ लाल सागर वाला, हम सब कह रहे हैं कि कोई नदी गिरती ही नहीं है, तो अब मैं यही समझ की कोई तो जल प्रवेश करता ही होगा। मैं भी वैसे करके आया, ये तो पक्का सही है, ऐसे बहुत कमर्शन होता है इसीलिए देखो ना वहाँ पे जो होता है। लेकिन कुछ लोग ना वहाँ पे बहुत तगड़ा प्रूफ दिए है गूगल पे कि नहीं कोई चल रहा, कोई UPSC जो मानता वही माने, जो भी है XYZ अगर UPSC आंसर किया है, इसीलिए मैं अभी ज़्यादा उससे मतलब भी नहीं है। पर ये है मैं बता रहा हूँ जो मैंने बोला था पिछले साल, NCERT पढ़ लो, PYQ कर लो, और करंट अफेयर की जो मैंने थीम बताई थी वहीं से क्वेश्चन है पूरा का पूरा पेपर। इतना है कि 120-130 नंबर आ सकते हैं आप लोगों को। अभी मैं बता रहा हूँ पूछी पढ़ने जरूरत नहीं है, NCERT पढ़ो अच्छे तरीके से, PYQ का थीम पे काम करो, सारे क्वेश्चन वहीं हैं, GS हो चाहे CCET हो चाहे कुछ भी हो उसमें। कौन कौन बचा अभी, देखो सब भाग गए। चलो ठीक है, कल वो ऐसे का काम करके आना, नहीं करके आओगे तो मैं अपनी तरफ से करवा के कंप्लीट करूँगा, फिर मुझे मतलब नहीं है तुम लोगों से, फिर ऐसे करोगे तो कभी रिजल्ट भी नहीं आएगा, मैं साफ बता रहा हूँ। तो सीरियसली कर लो जो करना है, नहीं तो फिर काम नहीं होगा बाद में, फिर मेरे को फ़ायदा होगा तुम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये चीज़ याद रख लेना। चलो ठीक है, गुड नाइट।